आरोपी उमर खालिद और शर्जील इमाम की पोस्टर नजर आए, जिस पर विवाद खड़ा हो गया। आंदोलन के 15वें दिन दिल्ली के टिकरी बॉर्डर पर एक कार्यक्रम हुआ, जिसमें मंच पर दिल्ली हिंसा के आरोपी उमर खालिद और शर्जील इमाम की तस्वीरें लगी नजर आई। इसके अलावा मंच के सामने बैठे एक शख्स के हाथ में भी शर्जील इमाम का पोस्टर दिखा। बताया गया कि प्रदर्शन में शामिल लोग भारतीय किसान यूनियन उग्राहन के कार्यकर्ता हैं और उन्होंने मंच से यूएपीए एक्ट और दिल्ली दंगों के आरोप में गिरफ्तार लोगों की रिहाई की मांग की, जिसके बाद बीजेपी ने इस पर सवाल उठा दिया और किसान नेताओं को सलाह दी कि वो इस तरह के लोगों से दूरी बनाए। मैं किसान नेताओं से हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, अपने आंदोलन को हाईजैक मत होने दें। बीच बीच में खालिस्तानी भी आते हैं, बीच में अलग अलग प्रकार के लोग आ रहे हैं, उनको तुरंत के तुरंत आप पुलिस के हवाले करें। ह्यूमन राइट्स वायलेशन, डेमोक्रेटिक राइट्स वायलेशन इस गवर्नमेंट ने या पहले से हुआ है या हो रहा है उसको लेके, क्योंकि ये पॉलिटिकल लोग नहीं है शायद। बंगाल दौरे के दूसरे दिन जेपी नड्डा के काफिले पर हमला हो गया। बीजेपी ने आरोप लगाया कि यह हमला टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने किया।